हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। करियर सक्सेस की इस नई वीडियो में मैं रूपक रुमेत्रा आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, कोरोना वायरस की वजह से आप सभी एजुकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहे, लाइव क्लासेस हम इसीलिए आपके लिए लेके आए। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है आपके लिए। इसमें हम आज कोशिश करेंगे आप सभी लोगों के जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं, आप में से खासकर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने जेके एसएसबी का फर्स्ट टाइम एग्जाम देना है, जेके बैंक का फर्स्ट टाइम एग्जाम देना है, या फर्स्ट टाइम हम इसको भी बोलेंगे कि अगर आपने कभी पहले पेपर दिया है बिना तैयारी किए हुए, बिना प्रिपरेशन के, तो अभी इस रिक्रूटमेंट के लिए आप लोगों के माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस हैं वो हमें सभी डेली बेसिस पे जो लोगों ने पूछे, स्टूडेंट्स ने पूछे, आप लोगों ने पूछे, उसका एक छोटा सा कंपाइलेशन मैं लेके आया हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपके सारे डाउट सॉल्व हो। और अगर आपने फर्स्ट टाइम हमारा चैनल या वीडियो देखा है, आप इसको सब्सक्राइब करिए करियर सक्सेस जम्मू पे जाके यूट्यूब पे, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, करियर सक्सेस के पास सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, सर आई एम अपियरिंग फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब जेके एसएसबी के लिए मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एग्जाम देने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मुझे बताएं बाकी जो बैंक के एग्जाम होते हैं, एसएससी एग्जाम होते हैं, अलग अलग एग्जाम होते हैं, इनसे इसमें डिफरेंस क्या है, राइट। फ्रेंड्स देखिए, जब जेके एसएसबी की बात आती है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो अदर एग्जाम से काफी डिफरेंट है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, नॉर्मली क्या होता था जेके एसएसबी एग्जाम्स में, आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, जो आएंगे उसकी बात नहीं कर रहा मैं, राइट, उसमें तो उसमें देखने को क्या मिलता था फ्रेंड्स, जो पहली चीज जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, आज तक बड़ी कम बार ऐसा हुआ है कि जेके एसएसबी की रिक्रूटमेंट आई हो और सिलेबस पहले आया, ऐसा बड़ा कम देखने को मिलता था। नॉर्मली क्या होता था, फॉर्म निकलता था, ये रिक्रूटमेंट है, इतनी पोस्टें हैं, चलो भाई फॉर्म भरा, अब पता ही नहीं होता था उसका सिलेबस क्या। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जेकेएसएसबी में इवॉल्वमेंट होती गई, नए नए चेयरमैन आते गए, उन्होंने ये चीज इंक्लूड की कि भाई पहले आप लोगों को सिलेबस प्रोवाइड किया जाए, ताकि एटलीस्ट बंदे के माइंड में आइडिया हो कि मैं इस एग्जाम के लिए अपीयर कर सकता हूँ या नहीं, राइट। हमने भी जब अपने लेवल पे सोर्सेज से बात की जेकेएसएसबी में, उन्होंने भी हमें यही बताया कि आप कैंडिडेट्स को यही बताएं कि सिलेबस निकालने का जो एकमात्र कारण पहले निकालने का ये है कि बच्चे इस लॉकडाउन के टाइम पे घर बैठे हुए प्रिपरेशन पहले ही शुरू करें। सबसे ज्यादा जो मुझे क्वेरीज आ रही है, सबसे ज्यादा सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, आउटर जितने भी एरियाज हैं, काफी सारे बच्चे वहां पैनिक कर चुके हैं कि डोडा किश्तवाड़ की, सर हम अब जैसे हमें देखने को मिला सिलेबस आ गया है और इसी के साथ साथ क्राइटेरिया भी आ गया है, तो फ्रेंड्स मेन उनके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर कहीं बाई चांस जल्दी से अगर रिक्रूटमेंट आ गई लॉकडाउन की वजह से, हम प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे। ये आप में से भी बड़े सारे लोगों का क्वेश्चन हो सकता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, आपका वन स्टॉप सोर्स, आपका एक जगह पे आपको हर चीज प्रोवाइड करने वाली चीज, इस वक्त आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एंड दैट इज करियर सक्सेस जम्मू कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, ये मैंने क्यों बोला, उसका एक कारण है, जेएनके में सबसे पहले ये इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया और आप लोगों का बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला। उससे हुआ क्या, हमें भी मोटिवेशन मिली कि हम आप लोगों के लिए हर वो चीज आपको एक ही जगह पे प्रोवाइड कर दें जो आपको खुद से अलग अलग सोर्सेज से लेनी पड़ती। फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है पहले तो गाइडेंस। हम लोगों ने आपके लिए स्पेशल व्हाट्सएप नंबर हेल्पलाइन के लिए ऑलरेडी डेडिकेटेड रखा हुआ है, आप कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी आप पूछना चाहें जॉब्स के रिलेटेड या जेकेएसएसबी काउंटर सिस्टम के रिलेटेड, चाहे आप राजौरी से हैं, पुंछ से हैं, किश्तवाड़ से हैं, डोडा से हैं, रामबन से हैं, बिलावर से हैं, सांबा से हैं, कठुआ से, एनीवेयर, चाहे कश्मीर के किसी
रीजन से है, लेह से है, करगिल से है, राइट। अब दूसरी चीज गाइडेंस के लिए आपको खुद हमें बताना पड़ेगा आपकी क्या क्वेरी है। ये डिपेंड करता है कैंडिडेट टू कैंडिडेट, राइट। हो सकता है मेरी कोई क्वेरी हो, मेरे फ्रेंड की कोई और हो, इस तरह ही डिपेंड करता है, राइट। दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट है नहीं बट आप लोगों ने इसको बहुत ज्यादा बनाया हुआ है, दैट इज नोट्स। पहला क्वेश्चन माइंड में आता है, सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे, नोट्स हम कहाँ से लाएं, कौन सी किताब पढ़ें। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, कोई भी सिंगल नोट्स कि मैं आपको बोलूं ये लो नोट्स पढ़ लो और पास हो जाएगा, होता क्या है फ्रेंड्स, एक नॉर्मल जैसे होता है ना कि इससे नोट्स ले लिए उससे ले लिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको ऑथेंटिक नोट्स चाहिए। ऑथेंटिक से मेरा मतलब हो गया जो एक पर्टिकुलर टीम ने, जैसे करियर सक्सेस की पूरी टीम इसमें लगी हुई है, पूरी टीम ने मिलके बैठ के जो उसका सिलेबस है उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की हो, उसकी एक एक चीज डिस्कस की हो, इसमें क्या पूछा जा सकता है, कितना डेप्थ में जा सकते हैं, उसी के हिसाब से फिर पढ़ाया जाता है कि उस टॉपिक का क्या कंसेप्ट है, किस तरह से उसको पढ़ाया जाए ताकि बच्चे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप नोट्स पढ़ने लायक बनते हो, राइट। तो एक चीज आप माइंड से निकाल दीजिए कि खाली नोट से कुछ होने वाला है, अदरवाइज तो सभी बुक्स लेके पास हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है, ऑथेंटिक नोट्स है, विद ऑथेंटिक नोट्स, साथ में विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ए लॉट ऑफ डेप्थ, मतलब जो सब्जेक्ट आपके 30-30 मार्क्स के हैं उसमें डेप्थ में आपको स्टडी करना पड़ेगा, ताकि अगर मुश्किल पेपर भी आ जाए, आपको किसी ने ये तो नहीं लिखा ना कि बहुत ही ईजी पेपर आएगा, राइट, 120 में से 119 निकलेंगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन आप कर सकते हैं, राइट। तो आप लोगों को डेप्थ में जाके उसको पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियरिंग पे ध्यान रखिएगा। मैं आपको आज बार बार बोल रहा हूँ, जैसे हमारी लाइव क्लासेस चल रही है, हम उसमें यही चीज बार बार बच्चों को बोलते हैं कि भाई आप लोग बिल्कुल जीरो से पढ़े, अगर आपको आता भी है आप तब भी कुछ ना कुछ नया ही सीखेंगे, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। बड़ा कम ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कोई रिक्रूटमेंट आए और आपको, मतलब कह सकते हैं कि टाइम इतना ज्यादा बीच में डाला हो कि बच्चे तैयारी करें, आज तक अभी किसी ने नहीं ऐसा बोला होगा कि अब आप प्रिपरेशन करो, राइट। लेकिन अब आपके पास टाइम है, इसको यूटिलाइज करें, ठीक है। थर्ड कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा हमें डेली बेसिस पे पूछा जा रहा है लोगों से, या आपके फ्रेंड्स से, या जो भी आप लोग हमारा चैनल फॉलो करते हैं, कि सर सबसे पहली मेरी जो क्वेरी है वो ये है कि लाइव क्लासेस हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, 2G में लाइव क्लास कैसे चल सकती है, राइट। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, मैंने आपको कहा ना आज की इस वीडियो में आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक चीज बता रहा हूँ कि ये आपको कैसे हेल्प करेगी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, राइट। देखिए फ्रेंड्स, करियर सक्सेस के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, राइट, बेसिकली हम इसमें ऑलरेडी पहले से ही अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, राइट। इस पे आपको 2G में भी कोई भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी कि आपकी क्लासेस ना एक्सेस हो पाए, राइट। हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग प्लेटफॉर्म ऐसे बनाए गए हैं कि आप लोग इजिली उसको एक्सेस कर सके, और इसकी क्या क्या फैसिलिटीज हैं आप लोगों के लिए वो भी मैं बता दूं। ईबुक्स, PDF, स्टडी कंटेंट जिसको आप नोट्स बोलते हैं, लेकिन ये नोट्स आप लोगों को टीम के द्वारा बना के दिए जाते हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग, कि एक टॉपिक और 10 जगह से कैसे अच्छा और क्लियर होकर निकलेगा उस तरह से, राइट। और रिकॉर्डेड वीडियोस, मान लेते हैं आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो ये आपके पास हमेशा ही वीडियो रहेगा, राइट। तो ये सारी फैसिलिटीज इसलिए हमने डाली है कि घर बैठ के आपको वो फीलिंग आनी चाहिए कि आप हमारी क्लास पढ़ रहे हैं, हमारे सेंटर पे आके पढ़ रहे हैं। वैसा एटमॉस्फेयर आप अपने से अपने घर में क्रिएट नहीं कर सकते, चाहे आपके दो फ्रेंड्स भी आपके घर आके पढ़ रहे हो, वैसा एटमॉस्फेयर आप नहीं क्रिएट कर सकते जब तक टीचर आपसे कोई सवाल ना पूछे और आप उसका आंसर ना करें, और अगर आपको आंसर नहीं आता, साथ वाला स्टूडेंट क्लास में बैठे हुए जब आंसर करता है तब आपको थोड़ी सी फीलिंग आती है कि हाँ भाई मेरा कंपटीशन ये है। घर बैठ के खुद से अपने हिसाब से गाइडेड, सेल्फ गाइडेड होके चलना वो सही भी हो सकता है,
गलत भी हो सकता है, लेकिन लेकिन जब उसमें हम आपका लाइव क्लास क्विज स्टार्ट करते हैं, जब बच्चे उसमें एक साथ आंसर देते हैं घर पे बैठे हुए लाइव सेशंस में, आपको वही फीलिंग दोबारा से हम क्रिएट करके वो प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये माइंड से निकाल दीजिएगा कि ये ऑफलाइन क्लासेस से किसी भी जगह पे कम है। इनफैक्ट इसमें और ज्यादा हार्डवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं आपको फैकल्टी मेंबर्स, राइट। तो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की कुछ क्वेश्चंस जो ज्यादातर मेरे से पूछे जा रहे हैं बच्चों की तरफ से नोट्स के लिए हो, अलग अलग सोर्सेज से हो, लेकिन मेरी कोशिश थी आप लोगों को ये चीज बताना एट द एंड ऑफ द वीडियो कि एक ही जगह पे एक ही सोर्स से आप लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं आपका सारा कॉन्टेंट और लाइव क्लासेस। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखिएगा, चाहे आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको ओपन करना है हमारा वेबसाइट careersuccessjammu.com। ये आपका फर्स्ट स्टेप, राइट, स्टेप नंबर वन। कि आपको मैं ऐसा सिस्टम बता देता हूँ, आप घर बैठे हुए बिना फोन किए भी आप खुद कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, राइट। स्टेप टू, यहां पर जाके आप इजीली फ्री नोट्स, पीडीएफ, असाइनमेंट एक्सेट्रा आप एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स, आपको सभी लाइव क्लासेस की डिटेल्स, लाइव ऑनलाइन क्लासेस की डिटेल्स, ऑनलाइन क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म वगैरह, हर चीज आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे एक्सेसिबल होगी, प्रोवाइडेड होगी। वहां से डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करके हमारी लाइव सेशंस, हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और आपकी तरह ही जितने भी आपकी तरह कैंडिडेट्स हैं जो भी इसका लाभ उठा रहे हैं, आप भी उनकी तरह उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और ये जो शटडाउन के डेज चल रहे हैं, लॉकडाउन के डेज चल रहे हैं, इसको आप अपना हथियार बना सकते हैं आने वाले टाइम में। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कोई एक कैंडिडेट है ए और एक कोई कैंडिडेट है बी, राइट। जैसे मान लेते हैं ये आप है और ये कोई और है, मान लेते हैं मैं इसके एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर रहा, ठीक है, इस लॉकडाउन में। आपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन घर पे लाइव क्लासेस करके सक्सेस की ज्वाइन कर ली है, आफ्टर दैट जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, मान लेते हैं इसका नोटिफिकेशन आ जाता है रिक्रूटमेंट का, और 20-22 दिन आपको फॉर्म भरने को मिलेंगे, एंड आफ्टर दैट आफ्टर वन मंथ आपका एग्जाम हो जाएगा। ये बंदा उस टाइम पे पहले फॉर्म भरेगा, फिर उस टाइम एडमिट कार्ड का वेट करेगा, जब आएगा उसके बाद उसकी तैयारी शुरू करेगा, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, जो आपको बताइए फ्रेंड्स 20-30 दिन में तैयारी हो सकती है। आप मुझे खुद बताओ 30 डेज लास्ट के, वो भी JKSSB का पेपर, लाखों में कंपटीशन और इतनी वैकेंसीज, आपको लगता है कि यू कैन क्लियर दैट एग्जाम इन 30 डेज? वो दिन तो फ्रेंड्स आपको रिवीजन के लिए रखने चाहिए। और इन लॉकडाउन के डेज का बेस्ट जो आप कह सकते हैं ना यूज क्या है, वो आपको वही बता सकता है जो हमारी लाइव क्लास का स्टूडेंट हो, राइट। वी आर रिसीविंग ए ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स, मतलब बच्चे इतने सेटिस्फाइड हैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस में कि वो उनका एक डेली लाइफ का रूटीन बन गया है। जब तक उनको 9 बजे क्लास ना मिले सुबह, रात को 8 बजे क्लास ना मिले, 5 बजे क्लास ना मिले, 6 बजे क्लास ना मिले, हमें मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, सर क्लास स्टार्ट, राइट। तो ये जो फीडबैक है स्टूडेंट्स का, यह आपको सिर्फ करियर सक्सेस में ही मिल सकता है, बिकॉज वी आर द मैक्सिमम प्रोवाइडर्स ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन J&K फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स। यह आप लोगों का ट्रस्ट है, आप लोगों की सपोर्ट है कि आप लोग लाइव क्लासेस के साथ जुड़े हैं, और आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत जबरदस्त सरप्राइजेस हम लेके आ रहे हैं, बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट में, विच वन कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट। इसलिए फ्रेंड्स, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, करियर सक्सेस जम्मू के साथ। आप लोग भी हमें क्वेरीज अपनी भेजें, हम किस तरह आपको हेल्प कर सकते हैं, किस तरह आप सर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं एक ही चीज आपको बार बार बोलूंगा, इस वक्त आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो क्या है, लाइव क्लासेस ऑफ करियर सक्सेस। चाहे वो JKSSB अकाउंट असिस्टेंट हो, चाहे वो JK बैंक हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, IPS, OSS, CO, anything। तो फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करें,
अभी भी आपके पास टाइम है, आप जल्दी से व्हाट्सएप करें 94191453 पर और आगे की डिटेल्स जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब हमें अभी कॉल करिए 94191453 पर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और भी एजुकेशन वीडियोस लेके आपके साथ जरूर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।